आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। आज हम बात करेंगे क्या आदि पुरुष के रिलीज होने पर जरा हटके जरा बचके पर प्रभाव पड़ा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बॉलीवुड स्टार विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके की रिलीज को 15 दिन पूरे हो गए हैं। फिल्म ने अब तक सम्मानजनक कमाई कर लिया। हालांकि फिल्म अभी 100 करोड़ रुपए की आंकड़े के आसपास नहीं पहुंच पाई है। विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म के सामने अब फिल्म आदि पुरुष सिनेमाघरों में लगी है, जिसके चलते कमाई पर काफी प्रभाव पड़ा है। आइए जानते हैं कि फिल्म जरा हटके जरा बचके अब तक कितने करोड़ की बिजनेस सिनेमाघरों में कर ली है। विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके को सिनेमाघरों में लगे हुए 15 दिन हो चुके हैं। फिल्म ने 15वें दिन 1.08 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म जरा हटके जरा बचके ने अब तक 64.08 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पहले से ही कहा जा रहा था कि प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने के बाद विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म की कमाई पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आदि पुरुष रिलीज होने के बाद फिल्म जरा हटके जरा बचके को लोग देखने पहुंचे हैं, जिसका नतीजा फिल्म ने 15वें दिन कमाई करके साफ दिखाई कर दी अपनी। विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके 2 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोगों को मनोरंजन किया और इसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। अब देखने वाली बात होगी कि अपनी कमाई को कितने करोड़ रुपए तक खींच कर ले जा पाती है विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म। आपकी राय क्या है, ये मूवी 100 करोड़ की आंकड़े पार कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।